के यहाँ तो मल्टीपल देखे, दुनिया के इवन बांग्लादेश का भी मल्टीपल देख ले सॉरी देख ले आप, तो पाकिस्तान की मार्केट उसको दुनिया की सबसे सस्ती मार्केट है ना, उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव मार्केट है तो उन्होंने यहाँ पे लिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे जो तशवीश ये है कि उनकी एक बहुत बड़ी बाइंग ओजीडीसी में हमने देखी है जी। तो अब जब तक उनका उनकी ये पॉलिसी है कि वो इस प्राइस में ही रहें और इसी क्या नाम है अपना मार्केट में रहें, तब तक वो बात अच्छी नजर आती है। लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो हमें फिर तशवीश की सूरत हाल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सादर साहब पेशावर से। सलाम सादर साहब। अस्सलाम वालेकुम सादर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या है सर? बिल्कुल ठीक है, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मेरा सवाल कल नेशनल के बैंक इतने अच्छे थे उसके साथ जी क्यों डोलना हुआ जी? नेशनल बैंक आप कह रहे प्रॉफिट टेकिंग जो विटनेस ये कहना चाह रहे हैं आप, कम क्यों है इतने अच्छे पे आउट्स के साथ? इसमें कल एक डाउनफॉल डिक्लाइन जो ऑब्जर्व किया गया था उसकी right, बहुत शुक्रिया आपका डेफिनेटली। एंड बहुत ही दिलचस्प और इनका क्वेश्चन है और बहुत मानखेज क्वेश्चन है। देखिए नेशनल बैंक ने 25% बोनस दिया है, 75% का अपना डिविडेंड दिया है, तो उसमें जब ये न्यूज आती है तो उसमें एक बुल रन चल पड़ता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो आ जाते हैं फॉर शॉर्ट टाइम और वो फिर अपना, आपने देखा कि मंडे को उनका लास्ट स्पॉट डेट है, तो जब वो जाहिर सी बात है उनको एक इंडिविजुअल ने 80 रुपीज पे बाय किया है ना, अब वो 100 पे मूव कर रहा है, तो वो यकीनन बहुत सारे लोग जो है ना बोनस नहीं लेना चाहते और वो अपने स्किप को सेल आउट करके अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग। सर ये पूछना चाहेंगे कल लोकल्स की तरफ से बैंकिंग सेक्टर में जो है प्रॉफिट सेलिंग ऑब्जर्व की गई है, रीजन जानना चाहेंगे। इमरान सुल्तान साहब हमें कॉल करें इस वक्त कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन जैसे ही हमारा रास्ता बहाल होता है इमरान साहब दोबारा आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। और यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त क्या कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं जिसके बिहाफ पे हमने देखा कि कल जो है जब भी मॉनिटरी पॉलिसी आपके अनाउंस होने जाती है और उसके दिन करीब आते हैं तो बहुत सारी स्पेकुलेशन आ जाती है, शायद इसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मोर देन 68% जो है ना रिड्यूस हो गया है, तो उनसे बहुत सारी कंसर्न इनको बैंकिंग सेक्टर्स को आते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है। ये इस किस्म की कोई सिचुएशन है, जबकि मैं बिलीव करता हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ आगे कि शायद हो सकता है हमारा इंटरेस्ट रेट जो है ना अनचेंज रहे, अभी कोई चेंज नहीं है, ऑल्दो कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट सब हमें जो है ना सुटेबल नंबर्स उसमें नजर आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चेंज आ सकेगा। राइट एक और कॉलर भी मौजूद है, आई थिंक रीना बात करें। बिल्कुल रिजवान साहब हमें कॉल करें जेएलएम से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी रिजवान साहब क्या सवाल करेंगे आज आप? आपकी रिक्वेस्ट हम बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, आपका सवाल क्या है बताइएगा। सवाल ये दो है, एक मुझे ना कि जो आप रहे हैं कैसे बैंक किया गया इसके बारे में सच क्या रहा है कि बुला रहा है या एडजस्ट होते जी जी, तो उसमें क्या आउटलुक आ रहा है और मंडे को नेशनल बैंक चलेगा? चले थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मॉनेटरी पॉलिसी का तो आपने आंसर दिया है अभी, और कैपिटल गेन टैक्स के वाले से जानना चाह रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स का थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमने शॉर्ट टर्म में देखा था प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की कैपिटल गेन टैक्स की वजह से, लॉन्ग टर्म में भी आप इस तरह का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है इस आउटलुक कैपिटल गेन टैक्स की वजह से? देखिए कैपिटल गेन टैक्स के बारे में ऑल्दो इट हैज बिकम अ ओल्ड स्टोरी, लेकिन मैं चाहूंगा कुछ डिस्कस करना है यहाँ पे कि कैपिटल गेन टैक्स हम क्यों लगा रहे हैं। हम जाहिर है हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगा रहे हैं, और ये बात बहुत हो चुकी है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर हम कैपिटल गेन टैक्स लगा रहे हैं तो हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि हम दूसरे टैक्सेस भी ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वॉल्यूम श्रिंक कर जाए और ओवरऑल नेट हमारा जो रेवेन्यू जो है वो हमें कम मिले। एक तो बात ये, मैं समझता हूँ कि अभी भी गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कैपिटल गेन टैक्स से, क्योंकि वो टैक्स नेट में आ जाने की वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं ये समझता हूँ अगर कैपिटल गेन टैक्स को इवन अभी भी गवर्नमेंट रिव्यू करे और उसमें कोई इस तरह से मैकेनिज्म बना सके जो लोगों को एक बेहतर रास्ता नजर आता हो, तो मैं समझता हूँ कि आपके वॉल्यूम्स अगेन बहुत अच्छे दोबारा हो सकते हैं और मार्केट में जहाँ इतनी सारी पॉजिटिव चीज आ गई है एक और अच्छी पॉजिटिव इशू आ जाता है तो बहुत अच्छे तरफ हम मार्केट को रन करते हुए देखते हैं। डॉक्टर साहब इस पर मजीद बात करेंगे आप फिलहाल दोबारा में। इमरान सुल्तान साहब ने कॉल किया कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब क्या सवाल करेंगे आप? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि तीन चार चीजों के बगैर ये अपने व्यू दे दें। सबसे पहले जो बात की जा रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस
फिर रही है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तकरीबन 3 हफ्ते में 80 मिलियन डॉलर के करीब आए, तो ये कैसे डिफाइन होगा कि जेन्युइन जैसे फॉरनर्स हैं ये इनका पैसा जो है आउट होके आ रहा है 19% पे ब्लैक मनी वाइट होके आ रही है, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कितनी घबराहट है, और उसके बाद तीसरी चीज ये कि जो फॉरनर इस वक्त नेट बायर्स हैं अगर ये सेलर बन गए तो उस वक्त हमारी मार्केट किस तरीके से इन्हें एब्जॉर्ब कर पाएगी, रिपेक्वेशन का जो प्रोसेस होगा उसके बाद डायरेक्ट डॉलर टर्म में यहाँ से प्रॉफिट जाएगा, हमारे रिजर्व के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। और चौथी चीज ये कि किसी लिविज प्रोडक्ट का इस वक्त कितना हुए हो रही है, उसकी कितनी कमी महसूस की जा रही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे पहले जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे काफी डाउट्स बाकी में क्रिएट हो चुके हैं, इस पे कि जेन्युइन कितनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि मार्केट में इतनी रैपिड पेस से आ रही है, या तो फिर ये लोकल का मनी है राउटिंग थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। नहीं अलीना, मैं इस पे थोड़ा एग्री नहीं करूंगा। इसमें मैं ये नहीं समझता लोगों की इतनी कंसर्न है कि हम जो है ना इसको ऑफिशियल हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। हमारे पास एक वाजे टूल है, हमारे पास स्टेट बैंक है जिसके टूल्स और जिसके मैकेनिज्म के तहत हमें ये फिगर्स मिल रही है। मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं कि मैं ये इसको कह सकूं कि ये जेन्युइन नहीं है। कंसर्न इस तरह भी क्रिएट होता है कि मुल्क में जिस तरह से हम देख रहे हैं रिस्क प्रीमियम भी काफी हाई लेवल्स पे है, जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हमें मजीद ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट शोइंग अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर। इसके अलावा जो है हमारे मार्केट में लेवरेज प्रोडक्ट जो भी इतने कंसर्न प्रिवेल हुए हैं, कैपिटल गेन टैक्स इम्पोजिशन आ गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्शन मार्केट में नजर आ रही है, जहाँ पर लोकल्स जो है साइडलाइन है और काफी कंसर्न के बिहाफ पे वेयर परफॉर्मिंग मेल इन द मार्केट। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान एक मार्केट है, वो कंपेयर करते हैं रीजनल मार्केट से। जब भी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि जब रीजनल मार्केट में आप जाते हैं